एनकाउंटर न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज चैनल और लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पठानकोट में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनको अब पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। जहां पहले चोर सुनसान जगह पर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, वहीं अब चोरों की ओर से भीड़भाड़ वाले इलाके में भी बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पठानकोट से डलहौजी रोड पर भीड़भाड़ वाले इलाके में देखने को मिला है। यहाँ पर चोरों की ओर से हिमाचल के व्यापारी की गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी में रखे हुए करीब 1,25,000 चुरा लिए गए। इस बात का पता व्यापारी को उस समय लगा जब वह पठानकोट में सामान लेने के बाद कार में से पैसे निकालने आया तो उसने कार का शीशा टूटा हुआ पाया, जिसके बाद सारा मामला सामने आ गया, जिसकी सूचना व्यापारी साहब सिंह की ओर से पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठाकुर में डिस्ट्रिक्ट चंबा सुगरानी का रहने वाला है। असी आए दिल्ली तो अमृतसर एयरपोर्ट उतर के सीधे इतने आए, कुछ सामान लेना था। समान इतने मिले नहीं इन्हें को बैरिंग असी राजशेल वाले को मंगाने ड्राइवर भेजा। जितनी देर में ड्राइवर 15 मिनट से लेके आए, अभी मिनटों ने बोला कि कोई ड्राइवर या गड्डी वाला कोई शीशा तोड़ गया गड्डी का। लेकिन मैं बोलूँ क्या कि गड्डी वाला यार देख तो लो समान अंदर नहीं है। जिस वेले जाके देखा समान गड्डी का मेरा बैग जरा था वो गायब था। उस कैश था कोई 1,25,000 या 1,30,000 दे बिच और कुछ जरूरी कागज थे। एक रिवॉल्वर का लाइसेंस था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था और कुछ मेरी मेडिकल दी फाइल वगैरह थी। किस टाइम दुकान से बैठे थे असी। हाँ जी हाँ जी, चाय पी रहे थे दुकान से। जी जी, इस तरह से ये तो ज्ञान सिंह तेरे साहब सिंह है दिल्ली तो आए थे। उन्होंने दोनों को कहने भी साढ़े को 50,000 रुपया से एक को 70,000 रुपया से। उन्होंने कुछ समान अपना बाइयर आए थे उतों गड्डी के उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट तीसा जिला चंबा के रहने वाले आ। तो उन्होंने कुछ समान खरीदया इतों, उन्होंने अपना पूरी मेडिकल स्टोर तो दवाइया लिया। उस तो बाद गंगा मंगा जी किराना स्टोर उतों लैन तो बाद इन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट का कारोबार आना ने कुछ स्पेयर पार्ट के समान खरीदने से। तो ये जी है क्वालिटी स्पेयर मोटर्स इतने आ गए आ। इन्हों इतों जो बैरिंग से नहीं मिले, इन्हों का ड्राइवर जो उन्होंने लैके बाजार से समान लैन वास्ते जो मालिक है ज्ञान सिंह ठाकर सिंह वो दुकान पर बैठ के अंदर बैठ के सानू सूचना मिली इस तरह भी गड्डी रोड से इन्होंने जो खड़ी गड्डी के बैग पिया से बैग दो चुक के कोई नामूम व्यक्ति शीशा तोड़ के लै गया। कि रकम सर खरीदी? ये दसन मुताबिक यह है कि 1,25,000 50,000 रुपया ज्ञान सिंह का, 50,000 रुपया साहब सिंह का, ट्रांसपोर्टर है ने ट्रांसपोर्ट का उन्होंने कारोबार समान खरीदने वास्ते आए थे। सर कुछ दिन पहला भी वारदात हो रही है, इलेक्शन का टाइम है फिर भी इधर वारदात है, कितने पुलिस कितने चुप है, कितने कमी दिख रही है? नहीं कमी कोई नहीं साढ़े वालों देखी जा रही जी। देखो हूँ तुम ये बाजार के रोड के उपर गड्डी लाई है तो वो बाकी इतने पब्लिक भी खड़ी है, काम कार भी वर्कर कर रहे हैं। तो इन्हों भी ये देखा जाए तो इन्हें थोड़ा बहुत आप भी निगरानी रखनी चाहिए है ना। सर असी तो जगह वारदात हो रही है बारे भीड़ भड़ाके हूँ जी वारदात इस तरह हुई है ये बारे हूँ असं यह भी मुकदमा दर्ज करने बाद जो तफ्तीश ने सामने असं फड़ के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे जी। नकदी तो अलावा होर भी कोई समान चोरी? नकदी तो अलावा उन्होंने मेरे ख्याल कोई मेडिकल उन्होंने सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट से उन्होंने जो उन्होंने ट्रीटमेंट के वो सके, एक उन्होंने कोई गन का लाइसेंस आर्मी लाइसेंस। एनकाउंटर न्यू पठानकोट से वरुण कुमार की रिपोर्ट।